आइए सर देख लीजिए। अरे मशीन नहीं है भाई, एक मिनट रुकिए। सर एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, किस चीज़ की ये फैक्ट्री थी, किस तरीके का यहाँ कारोबार चल रहा था और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये आज थाना सुराव क्षेत्र के अंतर्गत गद्दोपुर एक जगह है जहाँ पर प्रयागराज पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए एक अवैध भांग की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यहाँ से करीब 100 क्विंटल से ज़्यादा की भांग बरामद की गई है जिसकी बाजार कीमत करीब 60 लाख रुपये से अधिक है। अभी मात्रात्मक रूप से गिनती की जा रही है, ये संख्या और मात्रा और बढ़ने की उम्मीद है। बेसिकली ये 3 तरीके से इसमें अवैध रूप से गतिविधि चल रही थी। एक तो जो भी इनके भांग का मानक है उससे बहुत ज़्यादा संख्या में इन्होंने भांग यहाँ पर रिजर्व कर रखी थी। दूसरा, ये गलत तरीके से ट्रेडमार्क मानकों का उल्लंघन कर रहे थे और दूसरे ट्रेडमार्क और दूसरे कॉपीराइट से ये अपना सामान बेच रहे थे। इसके अलावा जो पैकेजिंग के मानक हैं उनका भी खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है था। समस्त चीज़ों को जब्त करने की कार्रवाई चल रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने समय से ये पूरा ये कारोबार जो है वह चल रहा था और कितने लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई और उन लोगों से पूछताछ में क्या चीज़ें सामने आई हैं? इसमें 3 लोगों को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये कितने समय से ये प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन अनुमानता ये है कि 6 महीने साल भर से तो ये जरूर था, क्योंकि जितनी मात्रा में भांग मिली है उसको इकट्ठा करने में समय जरूर लगा होगा। और इसके विभिन्न पहलुओं की जाँच की जा रही है कि ये सप्लाई कहाँ से प्राप्त करते थे और इसको कहाँ बेचते थे आगे, इन सारे पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है। क्या लगता है कितने लोग हो सकते हैं? कुछ इनिशियल स्टेज पे हमने 3 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया है, लेकिन निश्चित रूप से सप्लाई चेन में और भी लोग होंगे जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस शीघ्र ही प्रयास करेगी। यहाँ बनाने का भी कार्य करते थे, पैकेजिंग का भी? जी, इसमें अलग अलग तरीके से सप्लाई का भी है और बनाने की मशीनें भी प्राप्त हुई हैं। पैकेजिंग के भी इनके कई रैपर्स और होल्डर्स बरामद हुए हैं जिनको हिरासत जब्त किया जा रहा है। क्या वो दूसरे कंपनियों के रैपर थे, इस तरीके की बात है? जी, रूप से इन्होंने ट्रेडमार्क और कॉपीराइट मानकों का उल्लंघन किया है और अलग अलग कंपनियों से जो इनको आवंटित है उसके अलावा विभिन्न कंपनियों का मानक और रैपर्स प्रयोग कर रहे थे। कार्रवाई इन पर किस तरीके की जाएगी? अब इनमें NDPS एक्ट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक्ट के जो प्रावधान हैं उनका उल्लंघन पे इस पर अपराध दर्ज किया जाएगा। ठीक है।